हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं 2 दिन से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ अपने YT फैमिली से। तो वो इसलिए क्योंकि इनायत के रिज़ल्ट, इनायत का टेस्ट, इन सब चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी। तो फाइनली इनायत का टेस्ट तो हो गया है, बट अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। और इनायत का 5th क्लास का रिज़ल्ट आ गया है। उतना अच्छा नहीं है जितनी हमें इनायत से उम्मीद थी। तो इनायत का इतना भी ठीक नहीं है। मुझे था कि 80% तक इनायत लेकर आएंगे, बट इनायत ने जो स्कोर क्रॉस करा, आई थिंक 74% ऐसी कुछ है, 77% ही है। तो ठीक है, इनायत भी अपसेट है और इनायत के पापा भी थोड़े से अपसेट हुए कि हमें उम्मीद थी इनायत से थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा और करने की। तो कोई नहीं, उसने फिर प्रॉमिस करा कि पापा मैं 6th में अच्छा करके दिखाऊंगी आपको। बस यही सब चल रहा था तो नहीं आ पा रही थी। फिर उसके बाद हम लोग वेडनेसडे को ही इनायत को रिज़ल्ट दिलाने के लिए गए थे। टेस्ट दिलाने के बाद आसिफ जी की छुट्टी थी, तो फिर हम तभी मार्केट भी निकल गए थे दोपहर में। उनका ये था कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत शॉपिंग करा लेता है, अभी कर लेना, अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाके ईद तक तो हो ही जाएगी। तो बस फिर हम लोग गए थे मार्केट। तो पूरा दिन उसी में इतना थक गए थे। 3 बजे के निकले हुए हम लोग मार्केट में और हम लोग 9 बजे घर में घुसे थे। तो उस पर भी मेरा कुछ भी नहीं आया, बस बच्चों का ही आया है, ना ही आसिफ जी का कुछ आया ना मेरा, क्योंकि मार्केट ना भी उस तरीके से इतनी रचबस की नहीं चल रही थी। और मुझे शौक भी ये हुआ कि दरियागंज की मार्केट रमज़ानों के टाइम पे इतनी खाली थी ना। आप लोग आगे व्लॉग में देखना, बहुत मार्केट खाली मिली मुझे। तो अफसोस भी हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया। फिर सब ने वहाँ पर मुझे बताया कि निचले रोज़े के बाद यहाँ पर भीड़ लगती है और होता है। और मैं हमेशा एंड में ही जाती थी मार्केटिंग करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतनी अर्ली हम लोग चले गए हैं कि हम लोग 8वें 9वें रोज़े पे ही चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो अभी इतने हिसाब से चीज़ें आई नहीं थी। खैर, जो भी है, पूरी अपडेट मैंने दे दी है। अब आप लोगों को करना ही है बस दुआएं ताकि इनायत का टेस्ट क्लियर हो जाए और उसके लिए कॉल आए स्कूल से। और ये वीडियो आज ही जाएगा तो आप लोग प्लीज़ कॉल करिए, दुआएं ज़रूर दीजिएगा। अभी इनायत का रिज़ल्ट नहीं आया है नए वाले स्कूल में, जहाँ पर हम उसको सीनियर स्कूल में जहाँ हम उसका एडमिशन कराना चाह रहे हैं। और एक और दूसरी बात ये कि दुआओं की आप लोगों से सख्त ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जिनका नाम है आसिफ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे, उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और दूसरे शख्स हैं अथर भाई, जिनका यूट्यूब पर चैनल भी है, तो उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है अथर भाई की। और उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ही मेरे लिए दुआ करवा दीजिएगा। तो आप लोग वैसे उनके और मेरे सारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर एक ही हैं, बट फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा। जो भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारी, उनकी परेशानियाँ जल्द से जल्द दूर करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द अच्छी सेहत दे, ठीक है, आमीन। अब आप लोग आगे का वीडियो इन्जॉय करिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है ना। अच्छा, तुमने गली में नहीं सुना? अरे कितने आते थे गली में, तो अब पहले माइक लेके ना वही लोग आते थे, अब तो ये लोगों ने आलू प्याज वालों ने माइक ले लिया, वरना तो उन्हीं का ही था, नान खटाई वालों का। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माई चैनल अपना आशियाना। सबकी सैरी हो चुकी है, अब बस बाकी है मेरी। बेना, मैं लेट हो जाती हूँ आजकल या फिर तुम लोग जल्दी खाने लगते हो? मैं लेट हो जाती हूँ ना पकाते पकाते। कोई नहीं, इनका लास्ट चल रहा है, फैनी का राउंड चल रहा है लास्ट। आज ज़्यादा मीठी तो नहीं है? नहीं, आज कम है। मैं बनाती तो बड़े उससे हूँ कि मैं खा लूँगी, लेकिन मीठे थे तो नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। हाँ, और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मीठा मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए उतर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी, आज मैंने सैरी का कुछ शूट नहीं करा, उसके बाद सैरी का इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सैरी का, मैं शूट करके भूल भी गई थी। और आज हम आए गए हैं इनायत के एडमिशन के लिए, तो आज इनायत का टेस्ट है, बस वहीं पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि उसका टेस्ट हो जाए। इतनी भीड़ थी ना यहाँ पर, इतनी भीड़ थी ना, मैं बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारा बस जैसे तैसे नंबर आ गया है, इतने सारे आज ही
नाइन्थ एट्थ सेवन्थ सिक्स चार क्लासेस को बुलाया गया था। चार क्लासेस के बच्चे विद पेरेंट्स, भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। खैर मैं और इसके पापा आए हुए हैं, इनायत अपना टेस्ट क्लियर कर रही हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में। भाई हम लोग इतने थक चुके हैं ना, अब शाम हो गई है शॉपिंग करते 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 करते। हाँ जी बस दो दर्जन पापा ने खरीदे इनके लिए, खोलना है। हाँ खोलना है गाइस। यहाँ पर अब ना रोज़े का टाइम होने वाला है और पूरी मार्केट आप देख सकते हो खाली हो गई है, कुछ भी नहीं है मार्केट वाले ना सर। ये इन्होंने पता नहीं क्या लिए बच्चों ने, आसिफ जी खोलेंगे अब रोज़ा अपना। बल्कि हम रेस्टोरेंट जाने वाले थे तो वो लोग भी वहाँ बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। बस जैसे ही रोज़े का टाइम होता है हम रोज़ा खोलेंगे। शॉपिंग माशाल्लाह से हो गई है, ठंडे हो गए हैं और ये पता बहुत ज़ोर से गिर गई अफू अभी है ना। चलो जी रोज़े का टाइम होने वाला है, तीन बर्गर चाउमीन ठीक है। तो गाइज़ हम यहाँ पर अपनी पुरानी वाली जगह पे ही आके बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। नमाज़ पढ़ कर आएँगे फिर हमें खाना मिलेगा, और कुछ भी कहीं नहीं मिल पा रहा। बस जूस पिया है अभी हम लोगों ने, रोज़ा इफ्तार करा है। किससे खोला? खजूर और पानी से। तो बस अभी हम खाने के लिए बैठे हुए हैं, आसिफ जी गए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे ही आते हैं वैसे ही इनके वर्कर्स आते हैं, फिर हमें खाने को मिलेगा। खाने में हम ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहे, बर्गर और चाउमीन। चाउमीन अप्पू को बहुत पसंद है, इनायत को भी पसंद है। और दोपहर के निकले हुए हैं 3 बजे के दिन को आए थे रात को जा रहे हैं। नहीं ना मैं कर रहा हूँ ना वीडियो शूट। भूख लग रही है, कुछ नहीं खा रहे हैं। हमने सारे वजह चिकन चिकन चाउमीन चिकन बर्गर चिकन रोल और पापा खा रहे हैं नमक पा रहे हैं नमक पा रहे हैं बस। पापा वो खाओगे कीमालू खाओगे। तो गाइस कल के बाद हमने कुछ शूट नहीं करा था, अब आए हैं आज इनायत का स्कूल में रिजल्ट देने के लिए। पेरेंट्स डांटते हुए बच्चों को जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। यार मुझे ना ये सीढ़ियाँ मार डाल दी इनायत का फोर्थ क्लास को। इनायत कैसी स्टूडेंट्स रही है आपकी? हर वन भी बहुत अच्छे, दोनों एक्टिव है बहुत, अच्छा क्लास में बहुत एक्टिव, और दोनों फ्रेंड्स भी हैं। हाँ। सबसे अच्छे बच्चे, अच्छे लगे। मैम मिस करोगे बच्चों को आप? बिल्कुल। कल गए ना मैम टेस्ट के लिए, वहाँ बोलती है मम्मा वहाँ की टीचर्स तो बहुत स्ट्रिक है, हमारी तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा बेटा अब तो स्ट्रिक ही मिलेंगी सारी प्रिंसिपल। गायब हूँ, ब्लॉग भी नहीं डला कोई सा, काम कर रही थी। इंशाल्लाह कल आपको ब्लॉग मिलेगा अगर आज से बेटा, क्योंकि मुझे 4:15 बज गए हैं सफाई करते करते। आज पूरा दिन हो गया है, बच्चों के कपड़े सर्दियों के रखे हैं, मैं आपको दिखाऊं क्या गर्मियों के निकाले हैं ठीक है। अब बस ये झाड़ पोछा करके बर्तन धो के नहा के फिर नमाज पढ़ूंगी, और फिर आज कुछ नहीं बनाएंगे, आज डायरेक्ट खाना बनाएंगे। आज कोई इख्तियार नहीं पकेगा, आज सिर्फ दाल चावल बनेंगे ठीक है, यही सब बनेंगे बस। अब ये मैंने कह दिया तो कह दिया, काट दो आपको।
तो बस जी, ये इनायत की बेस्ट फ्रेंड है और ये इनायत की क्लास टीचर हैं। बस मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खरीदे हैं, खींचे थे, इन लोगों के यादें हैं इनायत की, ये जो कि संजो के रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में। वैसे तो इनायत की बेस्ट फ्रेंड गंगा भी है, बट ये बच्चा भी बहुत अच्छा है। इसका नाम क्या नाम? हरमन। हरमन है। तो दोनों बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे फ्यूचर में काम करें, अल्लाह ताला इनको खूब सारी कामयाबी और तरक्की दे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए।